हेलो एवरीवन, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़ जाए। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो है कि लड़कियों की 5 क्वालिटी जो लड़कों को काफ़ी पसंद आती है, पसंद ही नहीं आती, लड़के बहुत प्यार करते हैं और उस लड़की के साथ जीवन भर रहना भी पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी क्वालिटीज बताने वाली हूँ लड़कियों की। लड़कियों के लिए स्पेशल है वीडियो, खासकर कि अपने आप को इतना ऐसे बना ले कि लड़के आपको पसंद करते हैं। ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर होगी, शायद लड़कों को भी पता नहीं होता, लेकिन वो लड़के इसी क्वालिटीज पे फिदा होते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है। तो ये वीडियो लास्ट तक लड़का हो या लड़की, लड़का इसलिए देखे कि लड़कियों में क्या क्वालिटीज होती है जो लड़के पसंद करते हैं, और लड़कियां इसलिए देखे कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है वो समझ सके। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। जो पहली क्वालिटी होती है वो है आपका ना बोलना। हमेशा लड़के अगर किसी को प्रपोज करते हैं और जो लड़कियां तुरंत हाँ कर देती हैं, लड़के उन्हें उतना पसंद नहीं करते या उन्हें उतना भाव नहीं देते हैं। लेकिन जो लड़कियां उन्हें ना बोल देती हैं वो लड़कियां उन्हें पसंद आती हैं और वो जिद पकड़ लेते हैं कि मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा। अगर कभी लड़का आपको पसंद भी है फिर भी आप एक बार ना जरूर बोले। वो एक गाना बना है ना कि दिल में हाँ और होठों पे ना होती है। तो इसी तरह भले आपके अंदर से लग रहा है कि ये लड़का मुझे पसंद है और इसे हाँ बोल देना चाहिए, फिर भी आप थोड़ा मेहनत करवाइए उनसे, थोड़ा आप उनको रिझाइए, परेशान करिए, तो उनको परेशान होने में मज़ा आता है और जितना आप उनसे दूर जाएंगे उतना आपके करीब आने में उनको इंटरेस्ट होता है और वो आपको पाने के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। और जब कोई चीज़ मेहनत से हासिल होती है तो उसकी बहुत कदर होती है। तो किसी को भी आसानी से हाँ नहीं कह देना। अब ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त ना बोलें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ना बोलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं और हर बात लड़के की नहीं मान लेना चाहिए, आपको वहाँ पे ना कहना चाहिए। तुरंत रिलेशनशिप आपका हुआ और हर बात आप लड़के की मान जाएंगी तो आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको ना कहना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो ऐसी लड़कियाँ लड़कों को काफ़ी पसंद आती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नंबर 2, लड़कों को सॉफ्ट एंड स्वीट बोलने वाली लड़कियाँ, धीरे धीरे मधुर आवाज़ में बात करने वाली लड़कियाँ बात करती हैं। वैसे तो लड़कों को कड़क लेडीजें, कड़क आवाज़ वाली भी लेडीजें पसंद आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के मधुर बोलने वाली, थोड़ा धीरे बोलने वाली और मीठा बोलने वाली ऐसी लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अगर आपकी ये क्वालिटीज है कि आप थोड़ा मधुर बोलती हैं, धीरे बोलती हैं, तो समझ लीजिए कि आप लड़कों के दिलों पर राज करने वाली हैं। और ये क्वालिटीज लड़कों को काफ़ी पसंद आती है और ऐसी लड़कियाँ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो उनके साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। गाली गलौज देने वाली लड़कियां, ज़्यादा ऊंचा बोलने वाली लड़कियां लड़कों को काफ़ी पसंद नहीं आती हैं और वो उनके साथ जीवन भर रहना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है तो आप काफ़ी पसंद आने वाली हैं लड़कों को और आपका पार्टनर आपको काफ़ी खुश रखेगा और आपके साथ भी रहना चाहेगा। नंबर 3, जो क्वालिटीज लड़कियों की लड़कों को काफ़ी पसंद आती है, पहल ना करना। आपने देखा होगा कि कई लड़कियां अगर पहल करती हैं, जैसे कि किसी को जाके प्रपोज कर देना, उन लड़कियों की उतनी अहमियत नहीं होती जितना कि लड़के अगर पहल करें और फिर लड़कियां जवाब दें। तो कभी भी अगर आपको अपनी इमेज बनानी है लड़कों की नज़रों में तो किसी भी चीज़ में आप पहल ना करें, पहल आप लड़कों को करने दें तो आपकी इमेज अच्छी रहती है। चाहे प्रपोज करने में हो गया, रोमांस के समय हो गया, कभी भी अगर आप जो लड़कियां पहल करती हैं उनकी लड़कों की नज़रों में इज्जत कम हो जाती है और वो ज़्यादा दिन तक उनके साथ भी रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जो लड़कियां पहल नहीं करती, हमेशा लड़कों को ही पहल करने का मौका देती हैं, भले आप किसी को पसंद कर रही हों लेकिन पहल करने का मौका लड़कों को दो तो आपको काफ़ी इज्जत मिलती है और उनकी नज़रों में आपकी इमेज भी अच्छी होती है और वो लड़का आपके साथ हमेशा रहना भी पसंद करेगा। नंबर 4, जो क्वालिटीज होती है जो लड़कों को काफ़ी पसंद आती है वो है आपका चैलेंज देना। लड़के उन लड़कियों को काफ़ी पसंद करते हैं जो चैलेंज देती हैं कि
मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं इसके साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ, या मुझे ये प्यार, मुझे इससे प्यार नहीं करना है, या इसमें कोई कमी है, जब उनको एक चैलेंज मिलता है कि ये लड़की अपनी जिद पे है, तो वो उस लड़की को मनाने के लिए, उस लड़की को अपने काबू में करने के लिए साम दाम दंड वे सारी लगा देते हैं, और उसको जब हासिल करते हैं तो उनको मजा आता है। मतलब लड़कों को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, देखिए जो बिना मेहनत के चीज़ें मिलती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है, तो अगर आप थोड़ा चैलेंज दें अगर लड़कों को, तो उनको काफ़ी पसंद आता है। और हर मर्द चाहता है कि वो चैलेंज को पार करे, चाहे कोई भी चीज़ में हो, आपका चैलेंज देना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो जिन लड़कियों में ये क्वालिटीज होती है कि हर चीज़ में वो चैलेंज देती रहती हैं, तो ऐसी लड़कियां भी लड़कों को काफ़ी पसंद आती हैं। नंबर 5 जो कि खास है लड़कियों के लिए, कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना। कोई भी लड़का एक ही तरह के आदतों वाली लड़की को पसंद नहीं करता, वो उन लड़कियों को पसंद करता है जो समय समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, जो समय के साथ चलती हैं, उन लड़कियों को लड़के काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो बचपन से जो जवानी में अपनी दिनचर्या बना ली, या जिस तरह से आपने पहनावा पहन लिया, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ बना ली, तो आप उसी लाइफ में ज़िंदगी भर जीते रहे, चाहे आपको कोई शहर में ले जाए, गांव में ले जाए, या कहीं भी, तो आप एक ही आदत में ढली हुई रहें, तो ऐसी लड़कियों को लड़के काफ़ी पसंद नहीं करते हैं। लड़के उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करती रहती, अपने ज्ञान को बढ़ाती रहती हैं, अपने फैशन को बदलती रहती हैं, अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं, तो ऐसी लड़कियां लड़कों को काफ़ी पसंद आती है। तो आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखें, जैसा समय हो उस हिसाब से अपने आप को ढालने की हिम्मत रखें अपने अंदर से, तो ऐसी लड़कियां लड़कों को काफ़ी पसंद आती हैं। तो ये 5 क्वालिटीज़ है जो अगर आपके अंदर है तो आप लड़कों को काफ़ी पसंद आने वाली, और आपका पार्टनर आपको हमेशा खुश रखेगा और आपके साथ रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे आपको बताई है ये क्वालिटीज, अगर आपके अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जीवन अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपको किसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं, या परेशान कर रहे हैं, या नहीं पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर ये खूबियाँ आना शुरू हो जाए, तो आपके पार्टनर आपको पसंद करने लगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है जो कि हर लेडीज के अंदर होना चाहिए। इससे आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छा सुलझा हुआ जीवन रहता है आप दोनों का। तो अगर ये क्वालिटीज आप अपना सकती हैं तो जरूर अपनाएं। कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या खास बातें अच्छी लगी। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।